तो इस तरीके से ये पट्टियाँ होती हैं, इस तरीके से ये पट्टियाँ लगी हुई होती हैं विंडो पे। ये एक 1x1 विंडो पर लगी होती हैं, वर्टिकल ब्लाइंड आपने देखी होंगी जैसे ऑफिस टाइप में या किसी कॉल सेंटर वगैरह में विंडो पे इस तरीके से ब्लाइंड्स लगी हुई होती हैं। तो हम इनको उतार कर लेके आते हैं, उतार के लाने के बाद हम इनको क्लीन करके वापस वहाँ पर लगा देते हैं। तो ये जो होता है ये केमिकल के बेस पे और एक्सपीरियंस के बेस पे काम होता है, हर कोई इस काम को नहीं करता है, बहुत मैन पावर लगती है और बहुत केयरली इसको किया जाता है कि पट्टी हमारी ख़राब भी ना होए और जो इस पे गंदगी है, जो भी धूल मिट्टी, चाय के दाग, खाने पीने के दाग या किसी भी तरीके के पेंट वगैरह के, जैसे आप घर में पेंट वगैरह या कहीं ऑफिस वगैरह में पेंट वगैरह होता है उस तरीके के भी दाग लग जाते हैं, तो हम इनको क्लीन करते हैं। तो हम इनको उतार के लाते हैं और इनको रोल वाइज आप अपनी मर्जी से कितना भी रोल बना देते हैं, जैसे धागे भी निकल जाते हैं इनके बाई चांस, ये निकले हुए हैं। तो क्लीन करने के बाद जब इनकी चेकिंग होगी तो इन धागों को इकसार करके काट दिया जाएगा और वो भी आपको सब चीज़ दिखाते हैं। तो इनको डीप किस तरीके से करते हैं हम केमिकल में, ये 12 से 24 घंटे के लिए डीप की जाती है, मतलब ब्लाइंड की गंदी के ऊपर है, कितनी गंदी है और कितनी साफ़ है उसके ऊपर केमिकल को लगाया जाता है। उस तरीके से ही ये 12 घंटे 24 घंटे 48 घंटे डीप करते हैं। डीप करने के बाद एक 1x1 पट्टियों पर ब्रशिंग की जाती है, तो बहुत मेहनत लगती है, मैन पावर लगती है, तो इसी वजह से हम इनकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है और इस काम को कोई करता भी नहीं है क्योंकि ये बहुत ही कम लोग काम करते हैं इसका। ये है वर्टिकल ब्लाइंड्स पट्टियाँ, इनको हमने केमिकल में डीप करके रख रखा है, इस तरीके से केमिकल में डीप रहती हैं 24 से 48 घंटे के लिए। 24 से 48 घंटे के बाद इन पर ब्रशिंग होगी सिंगल सिंगल पट्टी पर, वो भी आपको दिखाते हैं, चलते हैं। तो इस तरीके से इन पर ब्रशिंग की जाती है, मतलब एक एक पट्टी है, एक एक पट्टी को लेना पड़ता है और इसके एक तरफ से भी ब्रशिंग करते हैं और दूसरी तरफ से भी ब्रशिंग करते हैं, और कोई दाग वगैरह होता है तो उसको स्पेशल केमिकल लगाकर उस दाग को भी निकाल देते हैं। फिर इसके अंदर जितना भी हमने केमिकल या कोई भी सॉल्यूशन वगैरह लगाया है उसको पानी में खंगाल कर अच्छे से 2-3 बार खंगालने के बाद इसको पानी में केमिकल को निकाला जाता है, फिर इसको धूप में सुखाया जाता है। दिखाते हैं आपको किस तरीके से। तो इस तरीके से सिंगल सिंगल पट्टी को अच्छे से पानी में निकाला जाएगा और 2-3 बार यही प्रोसेस करके जो इसमें केमिकल लगाया है उसको पूरे तरीके से निकाल दिया जाएगा। तो इसी तरीके से खंगलती है सिंगल सिंगल पट्टी, तो बहुत मेहनत लगती है इस काम को करने में। ब्रशिंग होने के बाद और अच्छे से पानी में खंगालने के बाद हम इस तरीके से इनको सुखा देते हैं, सूखने के बाद इन पर स्टीम प्रेस होगी। तो स्टीम प्रेस होने के बाद इनको रोल बना के अच्छे से पैकिंग कर देते हैं और ये किस विंडो की हैं, कौन सी खिड़की की हैं, वो इन पर हम लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये पैकिंग होने के बाद जहाँ सर उतर के आई हैं वहाँ पर ही जाकर लग जाएंगे। तो इस तरीके से ब्लाइंड क्लीनिंग का पूरा प्रॉपर काम होता है। अगर आपको बाइक कराना है कभी तो हमारे अबाउट सेक्शन में हमारा नंबर है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।